पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हमारी जमीन पर जिस तरह आपने चालाकी करके दावेदारी दिखाई है वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मिस्टर महाजन, दिग्विजय के बिहेवियर ने मुझे चैलेंज किया है। शायद अगर मेरे साथ ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता तो मैं ये सब नहीं करती। ओह, तो जो मैं आपके विषय में सोच रहा था मैं बिल्कुल सही था। आप यहाँ किसी और मकसद से आई हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पे अपना काम करने आई हूँ मिस्टर महाजन, लेकिन मेरा काम अभी अधूरा है। आपको लड़ने का बहुत शौक है ना मिस मुल्तानी? आखिरी दम तक लड़ने का शौक है, पर सच की लड़ाई। मेरे दादाजी हमेशा यही कहते हैं कि अगर तुम्हारी लड़ाई एक सही वजह के लिए है तो तुम्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, भले ही तुम्हारी लड़ाई कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। तो सुन लो, दिल्ली कॉर्पोरेशन में मैंने डिस्प्यूट केस की अर्जी दाखिल कर दी है कि हमारी पुश्तैनी जमीन पर आपका कोई अधिकार नहीं। आधा घर तो क्या मिस मुल्तानी, आप महाजन हाउस की आधी इंच जमीन भी नहीं ले पाएंगी। फेयर फेयर मिस्टर महाजन, वैसे भी यहाँ लीगल केसेस सालों साल चलते रहते हैं, जब तक इस केस का कोई फैसला आएगा मेरा अधूरा काम पूरा हो जाएगा। हैव अ गुड डे मिस्टर महाजन। ये आपकी फाइल। ये क्या कर रहे हो? हार्ट कट जाएगा मेरा। बटर नाइफ है अर्जुन, पर अगली बार ना असली चाकू होगा और इसे हाथ के छोटे छोटे टुकड़े करके ना यहीं फेंकूंगा। पर मैंने किया क्या है? ओ, तो आप किसी और का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। बहुत ज्यादा चलने लगी अर्जुन। सारे फसाद की जड़ तू ही है पटीचर। आखिर मैंने किया क्या है? युक्ति मुल्तानी को फोन किसने किया? तुमने माँ को बचाने के लिए युक्ति को बुलाएगा, मेरे होते किसी और से मदद मांगेगा तू? मर जाती माँ। कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी माँ की, गार्गी दाई जी के आगे इतना गिड़गिड़ाया कि आपसे बात करवा दे, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। इसलिए युक्ति को फोन किया ताकि आपसे बात करवा सके। अर्जुन, तुझे पता है तूने क्या किया? हाँ, शायद तू भूल रहा है, मेरे पास तेरा कुछ है, याद दिलाऊं? जो मैं कहूंगा, जब मैं कहूंगा वो करते रहना, क्योंकि द गेम इज वेरी सिंपल। तुम्हारी माँ की जान और उनकी धड़कन मेरे हाथ में है अर्जुन, याद दिलाओ। मैं अपनी औकात जानता हूं। गुड, अब से तू सिर्फ वही करेगा जो मैं कहूंगा। तेरी बहन ईशा को समझा दिया है मैंने, तुम दोनों मिलकर उस युक्ति मुल्तानी की लाइफ इतनी मिजरेबल कर दोगे कि वो खुद ब खुद ये महाजन हाउस छोड़ के चली जाए। समझा अर्जुन? समझा अर्जुन? जी, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। डीजे का गुस्सा तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये अचानक मिस मुल्तानी हमारी हेल्प क्यों कर रही है? डीजे के खिलाफ जाके वहां की हेल्प करने से मिस मुल्तानी को क्या मिलेगा?
इजी। मैंने जानबूझ करके नहीं की। आई नो इट्स ओके। हो जाता है एंड इट्स ओके, सिर्फ ग्लास ही गिरी है, दूसरी ग्लास आ जाएगी। मैं आपको पानी देती हूँ। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप आराम से सो जाइए, मैं आपके पास ही बैठा हूं। मिस मुल्तानी, क्या चाहिए आपको? आप सडनली हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रही हैं? अपने बिजनेस, टेक्स और पॉलिटिक्स में डीजे के साथ ही कीजिए। हमें हमारी फैमिली को बीच में इन्वॉल्व मत कीजिए। एंड प्लीज, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए। हमारी लाइफ को ना और मिजरेबल मत बनाइए आप। रियली? मैं तुम लोगों की लाइफ को मिजरेबल बना रही हूँ? कैसे? आपने डीजे को झूठ क्यों बोला कि मैंने आपको फोन किया था? माँ की जान बचाने के लिए हेल्प मांगी थी? आपने महाजन हाउस में भी हिस्सा खरीद लिया है। आप यहाँ पर क्या करने आई हैं, क्या करना चाहती हैं? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज, हमारी फैमिली को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जाओ जाके डीजे को बता दो कि मैंने झूठ बोला था। कम ऑन, गो। नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी इंटेंशन जो भी रही हो, लेकिन आपने मेरी माँ की जान बचाई है। इंसानियत कहते हैं उसे, और इंसानियत के नाते ही उन्हें बचाया है मैंने। बट यू नो व्हाट, तुम्हारी फैमिली के लोग ना बहुत अजीब हैं। इसलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ। यू शुड बी फीलिंग वेरी लकी। कुछ लकी नहीं है, आपका किया हमारे गले का फंदा बन गया है। आपको आइडिया भी है हमें ऊपर से क्या ऑर्डर मिले हैं? डीजे ने हमसे कहा है हमें आपका यहाँ रहना मुश्किल करना है, ताकि आप ये घर छोड़कर खुद चली जाएं। देखिए, डीजे और आपके बीच में ना, मैं अपनी फैमिली को पिसते हुए नहीं देख सकता। हाँ प्लीज, मेरी बहन की, मेरी माँ की किसी भी तरीके से हेल्प करने की कोशिश भी मत करना। इनफैक्ट हमारे पास ही मत आना, क्योंकि अगर आप हमारे पास आएंगी तो हमसे सवाल किए जाएंगे, और जिनका जवाब भी हमें ही देना पड़ेगा। प्लीज, आखिर डीजे ने ऐसा किया क्या है? अर्जुन इतना डरपोक, इतना स्पाइनलेस कभी नहीं था। बहुत कुछ है जो मुझे पता नहीं है और जल्द पता करना होगा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।